सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान उभर जाता है। बोलकर नहीं करके दिखाओ दोस्तों, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। आज का पंचांग 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 9:39 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:28 से 9:48 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार, आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, पहचान और इज्जत भी मिलेगी। वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, ऑफिस में तारीफ मिलेगी, वेतन में बढ़ोतरी भी संभव है, सेल्स क्षेत्र वाले लोग भी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आज अपने परिधान में नीला रंग शामिल करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों से संबंधित गतिविधियों में अपना ध्यान, निश्चित है आपको विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। दोपहर बाद कुछ धनदायक स्थिति भी बनेगी। दूसरों की गलतियों की वजह से आपका डर बढ़ेगा, दूसरों के अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी गलतियों को टालना होगा। आपका जीवन सकारात्मक बन रहा है, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना होगा। किसी नए लक्ष्य का चुनाव करके आज केवल उन पर ध्यान देने की कोशिश करें। रिलेशनशिप संबंधित दुविधा महसूस होगी, थोड़ा वक्त रिश्ता सुधारें। घर में सुधार होगा, फिर भी आराम करने पर ध्यान देते रहें। अध्यात्म और धर्म कर्म में भी रुचि आज आपकी बढ़ सकती है। आपको दूसरे लोगों की मदद के लिए और अधिक विवेकपूर्ण होना होगा। सावधानियां, पड़ोसी अथवा बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप आपको परेशानी में डाल सकता है। बेहतर है कि भविष्य संबंधित कोई भी योजना बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। किसी दोस्त या रिश्तेदार का अपने वादों से मुकर जाना आपको परेशान करेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप अपनी पारिवारिक व्यवस्था पर ना पड़ने दें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहने से मन प्रफुल्लित रहेगा। आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक है, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार न्यौछावर कर रहे हैं वह इसके लायक नहीं है। उनसे बेहतर को ढूंढे, आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। बात करते हैं करियर की। आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपनी धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके अव्यय करने की आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ती है। ये समय उनकी सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कम करने का भी। कार्य क्षेत्र पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आपका मैनेजमेंट और कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल काम की गति और बढ़ाएगा। सबके बीच आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकती हैं। आज कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट खत्म कर ली जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर ली जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के लिए मौज मस्ती और कार्ड से खेलना तय है। नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और इंजॉय करें। आज खरीदारी करने में मजा आएगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।